हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। क्या दोस्तों जिस तरीके से आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है और आपके फोन में नेट है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो क्या दोस्तों इंडिया में हर जगह पे इसी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों कि वो अपने ही घर पे बैठ के इस प्रॉपर ढंग से चीजों को देख पाए और समझ पाए। दोस्तों जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो हम सिर्फ अपने तक सोचते हैं कि दोस्तों अगर हम हमारे पास डिवाइस है और नेट है तो दोस्तों हम आराम से ऑनलाइन एजुकेशन को ले सकते हैं। बट क्या दोस्तों भारत में अगर हम छोटे छोटे क्षेत्र रूरल अर्बन की बात करते हैं तो क्या दोस्तों उनके पास जो प्रॉपर डिवाइस और इंटरनेट का कनेक्शन है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। आइए दोस्तों इसी बात पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ये तीन स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड स्मार्टफोन और कंप्यूटर, थर्ड है दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन। तो दोस्तों अगर ये तीन स्टेप्स फुलफिल होते हैं तो दोस्तों हम कहीं जाके ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या इन तीनों स्टेप्स में अगर हम बात करते हैं तो क्या भारत में पूरी तरीके से इन तीनों स्टेप्स कवर किए गए हैं? आइए दोस्तों हम वन बाय वन करके देखते हैं इन तीनों स्टेप्स को और समझते हैं कि पूरे भारत में इन तीनों स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप हमारे भारत में फुलफिल है और दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को कहां तक प्रोवाइड हो पा रही है और कौन कौन से बच्चे इनसे वंचित रह जा रहे हैं। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो दोस्तों आज की डेट में पूरे भारत में बात की गई है कि 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारे स्कीम्स लाई गई कि हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, बट दोस्तों उनका कहना है कि भारत में हर जगह पे 100% जो रूलर्स हमारे अर्बन गांव है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। बट दोस्तों रियलिटी क्या है? क्या सच में 100% बिजली भारत में हर एक गांव में मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सर्वे के अनुसार दोस्तों हमें ये पता चलता है कि भारत के अंदर दोस्तों अभी भी 20% ऐसे गांव है, विलेजेस है जहां पे दोस्तों 8 घंटे से भी कम वहां पे लाइट पहुंच पाती है। इसी सर्वे के अनुसार दोस्तों ये भी हमें पता चलता है कि 47% लोग हमारे इंडिया में 47% लोग के पास आज भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचती है वो 12 घंटे से भी कम है। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि 47% लोगों के घर में भी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंच रही है वो 12 घंटे से भी लेस लाइटें प्राप्त होती है। आइए दोस्तों हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में स्मार्टफोन है और पूरे भारत में किन किन बच्चों को स्मार्टफोन के थ्रू उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों अगर स्मार्टफोन की बात करें तो भारत के अंदर 24% ही स्मार्टफोन यूज किए जाते हैं 2019 के सर्वे के अनुसार। तो दोस्तों पूरे भारत में आप सोचिए कि अगर 24% लोग ही स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो किस तरीके का हम ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा पाएंगे। 40-45% लोग जो हमारे रूरल या अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं दोस्तों उनके फैमिली आज भी दोस्तों 1000 रुपए से कम दामों वाले फोन आज भी वो यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर 1000 से कम दामों वाले फोन को अगर वो यूज करते हैं तो वो किस तरीके का ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएंगे। आइए दोस्तों हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंटरनेट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में क्या हर जगह पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? क्या दोस्तों अगर उनके पास एक इलेक्ट्रिसिटी है और प्रॉपर डिवाइस है तो क्या दोस्तों उनको नेट प्राप्त हो पा रहा है? क्या उनको नेट मिल पा रहा है कि अपने ऑनलाइन एजुकेशन को वो पूरी तरह से ले पाए? अगर दोस्तों हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ऑनलाइन एजुकेशन को लेने के लिए दोस्तों हमें प्रॉपर ढंग का इंटरनेट चाहिए होता है ताकि दोस्तों हम बिना किसी रुकावट के आराम से दोस्तों हम पूरी लेक्चर आराम से देख सकते हैं। बट दोस्तों इंटरनेट की सुविधा भारत में हर जगह पे समान नहीं है। दोस्तों भारत में दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जिनके घरों में वाईफाई नहीं है, वो अपने ही फोन के डिवाइस में 1 GB या 1.5 GB डेटा का यूज करते हैं दोस्तों, या फिर अनलिमिटेड डेटा का यूज करते हैं। बट दोस्तों हमारे रूरल क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे दोस्तों ये स्पीड बहुत ज्यादा लो हो जाती है। 60% लोगों को दोस्तों डेटा का प्रॉब्लम होता है, उनका जो स्पीड होता है दोस्तों बहुत स्लो चलता है। तो अगर दोस्तों हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट अगर हम तीनों की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या दोस्तों अगर ओवरऑल देखते हैं कि हम रियल में एजुकेशन किन तक पहुंच पा रहा है तो दोस्तों इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों अगर हम हाउस होल्डर कंप्यूटर की बात करते हैं तो रूरल में 4.4, अर्बन में 23.4 और रूरल प्लस अर्बन में दोस्तों 10.4। अगर दोस्तों इन्हीं में हम इंटरनेट फैसिलिटी की बात करते हैं तो रूरल में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40.9% ही इन तक जो नेट है वो दोस्तों पहुंच पाता है और 42% जो है अर्बन में और दोस्तों 23.8 रूरल प्लस अर्बन में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा कि ये जो आपने ग्राफ देखा इससे पता चलता है दोस्तों कि हमारी जो फैसिलिटी है इंटरनेट डिवाइस की वो बहुत ही ज्यादा लो है। तो इस
इन कमियों के चलते दोस्तों हमारा भारत किस तरीके के बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड करा पाएगा, क्या दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा रास्ता होगा हमारे स्टूडेंट के लिए कि अगर इन फ्यूचर अगर ऑनलाइन ही हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े तो किस तरीके का काल होगा। दोस्तों आप सबको ये चार्ट देख के समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर पूरे भारत की बात करें तो दोस्तों टोटल ओवरऑल 8% लोगों के पास ही इंटरनेट प्लस कंप्यूटर दोस्तों प्लस इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी उन्हें मिलती है। तो दोस्तों इतने कम परसेंटेज में दोस्तों सोचिए कि आप किस तरीके से लोगों तक ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करा पाएंगे और वो किस हद तक पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों NSSO के सर्वे के अनुसार हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने 34,000 के बच्चों को और उनके पेरेंट्स से जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्हें पता चलता है 28% बच्चे इस प्रॉब्लम से परेशान है कि उनके घर पे बिजली आती है और फिर बिजली चली जाती है। तो दोस्तों इस रुकावट से अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट है तो दोस्तों किस तरीके की वो ऑनलाइन एजुकेशन को ले पाएंगे। तो 33% बच्चों ने ये कहा कि ऑनलाइन वो स्टडी नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन स्टडी करने में उन्हें बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ऑनलाइन फैसिलिटी में दोस्तों उनका मन नहीं लग रहा है। और ये सर्वे के अनुसार दोस्तों ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज ऑनलाइन लेक्चर में जिन सब्जेक्ट्स को लेने में हो रही है वो दोस्तों मैथ्स साइंस की सब्जेक्टों को दोस्तों ऑनलाइन लेने में बहुत ही डिफिकल्टीज आ रही है। यहाँ तक कि दोस्तों 50% बच्चों ने ये भी कहा कि दोस्तों उनके पास बुक भी नहीं है। तो दोस्तों सोचिए ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। NSSO के सर्वे के अनुसार दोस्तों ये भी पता चलता है कि 90 लाख स्टूडेंट आज भी भारत में ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखते हैं तो दोस्तों कहीं भी आपको फैसिलिटी पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोचिए अगर दोस्तों अगर एक फैमिली के अंदर 4 बच्चे हैं, अगर उनके पास एक ही स्मार्टफोन है तो दोस्तों आपने तो बोल दिया कि वहां पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, स्मार्टफोन है, प्रॉपर नेट है, बट क्या दोस्तों वो चारों मैनेज कर पाएंगे? तो दोस्तों हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बात तो कर ली कि हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, बट दोस्तों अगर रियलिटी देखा जाए तो दोस्तों गांव में रूरल्स में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों तक सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। दोस्तों स्पीड की बात करते हैं तो अर्बन सब अर्बन रूरल्स आप देख रहे हैं किस तरीके की उनके पास नेट की प्रॉब्लम होती है, स्पीड की प्रॉब्लम होती है। तो जिस तरीके की स्पीड की उनके पास प्रॉब्लम होती है दोस्तों हर एक स्टेट में हर एक जगहों पे कहीं ना कहीं पे किसी भी प्रकार की स्पीड की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि अगर सपोज एक फैमिली में एक स्मार्टफोन है, उनके पास 4 बच्चे हैं, तो दोस्तों क्या वो चारों बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अपना फोन दे सकते हैं? और अगर उन्होंने अपना फोन दे भी दिया तो दोस्तों अनलिमिटेड वो रिचार्ज तो करते नहीं है। सपोज उनके अगर फोन में 1.5 GB पर डे भी हो तो दोस्तों अगर उनके चारों बच्चे यूज करने लगे तो दोस्तों वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को ले नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आप लोग के पास इसी तरीके के इश्यू से बात कर पाऊं और किसी भी प्रकार के अपडेट आप तक पहुंचा पाऊं और उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है ये भी मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी जितनी भी अपडेट हो दोस्तों आप तक वो आसानी से पहुंच पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।